Hi guys, welcome back to my channel. So today's video is our DIY face scrub video in just 2 rupees. 2 rupees में हम एक DIY face scrub बनाने वाले हैं जो आपकी बहुत सारी problems को like solve कर देगा. Remove your black edge, remove your white edge, remove dead skin cell from your face, remove impurities from your face and give your face an enhanced glow. Make your skin a moisturizer, give your skin a moisturizer, give your skin a glow. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं. लेकिन इतनी क्या जल्दी है यार, इतनी भी जल्दी नहीं होनी चाहिए. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट. सो चलिए फटाफट से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट गाइज. तो नाउ करते हैं वीडियो स्टार्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो. सो इस प्रोडक्ट इस DIY फेस स्क्रब को बनाने के लिए हम बना रहे हैं कॉफी स्क्रब. हमें चाहिए नेस्कैफे कॉफी पाउच विच इज जस्ट फॉर 2 रुपीज ओनली गाइस. आप इजीली आपको 2 रुपए में ये मार्केट से मिल जाएगा. नेस्कैफे या कोई भी कॉफी आप ले सकते हो. इट्स नॉट कंपल्सरी आपको नेस्कैफे ही लेनी है. एनी काइंड आप ले सकते हो. और उसके अलावा मैं इसमें यूज करने वाली हूँ मिल्क और जस्ट लिटल बिट हनी. हनी इसलिए ताकि ये हमारी जो भी स्किन है उसे ये मॉइस्चराइज करेगा. हमारी स्किन जो रफ हो जाती है जान रही है उसे ये मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा. मिल्क इसलिए क्योंकि ये हमारी स्किन को है हमारी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगा, उन्हें इवन टोन करेगा. और कॉफी हेल्प्स टू रिमूव आर ब्लैक हेज आर वाइट हेज आर डेड स्किन सेल फ्रॉम आर फेस एंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम आर फेस. सो विदाउट एनी वेस्टिंग जस्ट लेट गेट स्टार्टेड टू द वीडियो. फटाफट से देख लेते हैं इसे बनाना कैसे. मैंने लिया है एक बाउल और उसके साथ उसमें लिया है हमने एक स्पून लिया है. अब तो अभी फटाफट से करते हैं मिक्स. क्या करना है आपको इस कॉफ़ी का पूरा पाउच एक बार इसमें यूज़ कर लीजिएगा. इसे इसमें मिक्स कर लेना है. ओके एंड ये कर लिया हमने डन. तो अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं हनी. दिस मच क्वांटिटी इज फॉर हनी इज इनफ. और उसके अलावा अब हम ऐड करने वाले हैं इसमें मिल्क. इतना मिल्क है जिससे इसका थिक पेस्ट तैयार हो, बहुत ज़्यादा थिन पेस्ट ना हो ये. सो ये हमने कर दिया है ऐड. और अब हम इसमें हनी को कर लेंगे मिक्स और इन्हें अच्छी तरह से हमें स्टर कर लेंगे. ये हमने अपना पैक कर दिया है. फेस स्क्रब रेडी हो चुका है. ये हमने अपने पास बना लिया है फेस स्क्रब. ओके सो ये कुछ इस तरह से बनेगा गाइस. इतना थिक पेस्ट होगा इसका. कुछ इस तरह से आपको इसे बनाना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए. अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हो तो इसमें हनी ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें मिल्क बिल्कुल भी ऐड मत करना. मिल्क तब ऐड करना जब आपको इसके फेस के ऊपर इसे अप्लाई करना है. हनी ऐड करके आप इसे अराउंड 4 to 5 days के लिए किसी भी स्मॉल कंटेनर में फ्रीज़र में इजीली स्टोर करके रख सकते हो. लेकिन फ्रीज़र में स्टोर कीजिएगा क्योंकि इसमें हमने हनी ऐड किया है. तो और जब आपको अप्लाई करना है इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है. 2 से 3 मिनट के लिए आपको मसाज करना है एज यूजुअल, जैसे कि हम दूसरा फेस स्क्रब अप्लाई करते हैं उसे आपको इसे उसके साथ आपको फेस में अप्लाई कर लेना है एंड उसे मसाज करते रहना 2-3 से. लेकिन अवॉइड योर आइज एज यू ऑल नो गाइज, हम जो भी स्क्रब है उन्हें अपने आइज से अवॉइड करते हैं क्योंकि आइज के अराउंड हमारी जो स्किन होती है ना वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है तो रैशेज होने के चांसेस होते हैं. सो आपको 2-3 मिनट के लिए से 2-3 मिनट के लिए 3-4 मिनट के लिए अपने फेस के ऊपर आपको स्क्रबिंग करने देना. उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है. सो दैट्स ऑल गाइज, ये था आज का वीडियो. एक छोटा सा DIY फेस स्क्रब वीडियो इन जस्ट 2 रुपीज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.